नमस्ते कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे नए वीडियो के साथ। तुला लग्न के लिए लिब्रा एसेंडेंट के लिए जनवरी महीना कैसा रहे? देखिए एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लग्न शब्द इस्तेमाल किया। आपकी लग्न कुंडली में पहले घर में अगर सात लिखा होगा, आपकी बर्थ चार्ट देख लीजिएगा, पहले घर में अगर सात लिखा हो ऐसे ही फिगर तो ये वीडियो देखिएगा। आपकी सातवां राशि आपका लग्न है, सातवीं राशि तुला है। आपकी कुंडली में जहां चंद्र लिखा है वह सात है तो ये वीडियो नहीं देखिएगा। चंद्र से ये वीडियो नहीं है, ये वीडियो लग्न कुंडली से देखने का मेरा सजेशन है। अभी देखिए ये महीना लग्नेश आपका जो तृतीय स्थान में गया हुआ है तो शॉर्ट ट्रैवलिंग, कोई भी एक ट्रैवलिंग आपके नसीब में मैं देख रहा हूं। हो सकता है आपके भाई बहन के साथ का, पर्टिकुलरली आपकी बहनों के साथ का रिलेशंस को इस महीने में आप इंप्रूव कर सकेंगे। अगर आपका कुछ देखिए पारिवारिक बहुत विवाद चल रहा है आपके परिवार का, 5 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक आपको ये मेरा वीडियो मिलेगा तब आपको समझ में आएगा भी कि कुछ पारिवारिक जो विवाद है वो एकदम उसकी चरम सीमा पर है, एकदम मैक्सिमम लेवल पर है। मेरा वीडियो मिला होगा तब मिलेगा तब आप ये समझ पाएंगे अपने घर में आपके बहुत क्लैशेस चल रहे हैं। हो सके तो पारिवारिक जो आपका चाचा मामा ब्रदर्स के साथ का जो रिलेशंस का जो विवाद है उसको टालिएगा। कुछ प्रॉपर्टी के झगड़े हैं तो उसको भी टालिएगा। और वो आपको दिख रहा है 15 जनवरी तक वो स्ट्रेस रहने वाला है, यानी कि आपका जो स्पाउस है पति या पत्नी वो बहुत लड़ने के मूड में है, बहुत हर्ट होता है ऐसा। आप भी बहुत लड़ने के मूड में ही है, आपके भी तो धनस्थान में मंगल आए हुए हैं तो घर में एकदम नेगेटिव तनाव है आपके। और इसके बीच आप इस महीने में हो सकता है कोई दोस्तों के साथ कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग में चले जाएं और भाई बहनों के साथ का ये रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए ये महीना काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि शुक्र अभी आपके जनवरी और फरवरी आपके तृतीय स्थान में रहेगा, भाइयों के साथ के रिलेशंस के लिए 2 महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन पे आता हूं, बाद में ये सब बताता हूं आपको। 30 दिसंबर से 5 जनवरी तक का, जैसे अभी 8 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक का जो टाइम था उसमें आपने आपके मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव किया 30 दिसंबर तक, 8 दिसंबर से। और मैंने बोला ऐसा घर पे, घर को अगर आप प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं नया हाउस लेने की तो ये भी कोशिश करेंगे आप 8 दिसंबर से 30 दिसंबर में। पारिवारिक विवाद आपकी उसकी लिमिट के बाहर है, अगर आप 30 दिसंबर तक घर शायद न ले सके तो 27 फरवरी से 30 मार्च में अगेन एक और एक बेनिफिट वाला समय आ रहा है आपके लिए। 27 फरवरी से 30 मार्च भी अच्छा रहेगा, 27 फरवरी से मतलब ये जो जनवरी का जो महीना है ये मैंने बोला ऐसा थोड़ा टफ जाएगा, भाई बहन के साथ का रिलेशंस काम धंधे में चैलेंजेस आता रहेगा आपको और वो आप बखूबी पार करेंगे। 30 दिसंबर से 5 जनवरी भाई बहन के साथ का रिलेशंस के लिए एकदम मजबूती से इंप्रूव करने के लिए टाइम, आप में हिम्मत भी बढ़ेगा, कोई ट्रैवलिंग भी आप मैंने जो बोला है महीने में उसमें भी 30 दिसंबर से 5 जनवरी तक का जो टाइम है ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। 6 जनवरी से 10 जनवरी आपको भले देखिए शुक्र का लोप हो रहा है 6 जनवरी से 10 जनवरी में, फिर भी मैंने लिखा शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए भी 6 से 10 जनवरी अच्छा है। हो सकता है 6 जनवरी से 10 जनवरी में आपका पूरा परिवार एकत्रित भी हो, 6 से 10 जनवरी में पैसा भी अच्छा खासा हाथ में आ सकता है। आपकी कुंडली में बेसिकली थोड़ा बहुत दम है तो ये टाइम आपके लिए भले शुक्र लोप हुआ है अस्त हो गया फिर भी ये फायदा तो रहेगा आपके लिए। 6 जनवरी से 10 जनवरी कुछ पारिवारिक जिम्मेदारी भी आप पर आएगी, इसको भी आप निभानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए आपको मैंने बोला है सब भाई बहन के साथ का रिलेशंस में भाई पर्टिकुलरली पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। 11 जनवरी से 16 जनवरी मैंने जो दोज हुआ जॉबलेस उनके लिए बेस्ट बोला है, गुरु लग्न को देख रहा है, कोई भी गुरु मंदिर में रेगुलर जाओ, गुरु पूजन करो आपके लिए लाभदायक रहेगा। साई बाबा का मंदिर हो, गुरुदत्त का हो, स्वामीनारायण का टेम्पल हो उसमें जाओ, थोड़ा वजन भी बढ़ेगा, जिंदगी में स्टेबिलिटी भी मिलेगी। 11 जनवरी से 16 जनवरी अपने आप को रिवाइज करने का टाइम है, दिस इज द टाइम टू रिवाइज योर सेल्फ। 11 से 16 जनवरी
आप कुछ गलतियां को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, अपने कहां गलतियां हो रही है अपने जीवन में उसको इंप्रूव करने की कोशिश करें। 17 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का जो समय है, 31 जनवरी तक का समय, ये कोई ना कोई आपको बेवकूफ बनाएगा, थोड़े केयरफुल रहिएगा, बहुत लंबा समय। 27 जनवरी से 31 जनवरी तक नहीं बोल रहा हूं मैं, 29 जनवरी से तो शुक्र मार्गी भी हो रहा है, मैं 17 जनवरी से 10 फरवरी तक बोल रहा हूं, यानी कि 10 फरवरी तक कोई भी वजह से देखिए आपके कोई औरत के पीछे आप पैसा खर्च कर देंगे, हो सकता है आपकी पड़ोस का ही कैरेक्टर हो, शुक्र आपका तृतीय में, हो सकता है आपकी वाइफ हो। 17 जनवरी से 10 फरवरी तक एक्सपेंसिव टाइम, कोई ना कोई आपको फंसाने की कोशिश भी करेगा आपके साथ जो काम करता है वो, क्योंकि कर्मेश कर्मस्थान से 6वें स्थान में है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो आपको कोई ना कोई आपके साथ जो सहकार्य है करने वाले वो भी कोई फंसाने की कोशिश करेंगे। 17 जनवरी से 10 फरवरी तक केयरफुल रहिएगा, हॉस्पिटल की मुलाकात ना हो तो भगवान की कृपा समझिए, और हो सकता है कोई फीमेल फैशनेबल चीज घर में, हो सकता है फ्रिज है, एसी है, अभी सीजन ठंडी का है तो आप एसी खरीदेंगे नहीं, बट हो सकता है कार खरीद लो, बाइक खरीद लो, कार या बाइक के लिए कोई ना कोई खर्च हो जाएगा, हो सकता है व्हीकल लेके कहीं गए हो और व्हीकल आपको परेशानी में डाल सकता है। 17 जनवरी से 10 फरवरी तक इससे टाइम ऑफ सम डोनेशन, हो सकता है कोई ट्रस्ट एनजीओ सेवा संस्था से आप जुड़ेंगे इस समय में। 17 जनवरी से 10 फरवरी तक कोई धार्मिक कार्य आपके हाथ से हो सकता है। 17 जनवरी से 10 फरवरी तक टाइम बड़ा अच्छा नहीं है दुनियादारी के लिए, हाँ कोई कभी ऐसा टाइम में 17 जनवरी से 10 फरवरी के टाइम में कोई हो सकता है दोस्त अमीर है तो उसके साथ ट्रैवलिंग में जाने का मौका मिले और वो ट्रैवलिंग आपको दोस्त आपका स्पॉन्सर करके दे सकता है, ये भी हो सकता है। 17 जनवरी से 10 फरवरी अबाउट ऐसा ही टाइम रहे, मतलब आपको केयरफुल रहना है और पर्टिकुलरली कोई भी फीमेल रिलेशनशिप से, नहीं तो उसमें काफी पैसे का नुकसान हो सकता है। बाकी शुक्र का लग्न है, आप मौजी तो है ही, मैंने बोला ऐसा जॉब ले जो हुआ जॉबलेस उनके लिए 11 से 16 तारीख बेस्ट है। गुरु आपके लग्न को देख रहा है, वजन ना बढ़े इसके लिए केयरफुल रहिएगा। बिजनेस के लिए आई सेड नो, नो इसके लिए लिखा है मैंने कि कोई बहुत बड़ा शनि की कर्मतान पे एस्पेक्ट है, नौकरी करते होंगे वहां भी आपको लगता होगा नौकरी कब छोड़ दूं, जवाबदारी बढ़ता हो, देखिए कर्मस्थान को शनि देख रहा है तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। बिजनेस के लिए मैंने नो बोला है, जहां भी बिजनेस करते हो अभी एक्सपांड नहीं करिएगा, थोड़ा इंतजार करो जब तक कि ये शनि महाराज का कर्मस्थान पर एस्पेक्ट खत्म हो जाए। हेल्थ के लिए आफ्टर 70 आई से 10 फरवरी तक केयरफुल रहने का ही टाइम, ये वो टाइम है आपको मैंने बोला ऐसा डोनेशन वोनेशन करिएगा, यथाशक्ति किसी भी पुअर पीपल को मदद करने की कोशिश करिएगा, छोटी छोटी लड़कियां हो इनको खाना वाना खिलाइएगा, केयरफुल रहिएगा 17 जनवरी के बाद। एज अगर ज्यादा है तो हो सकता है गड़बड़ हो सकता है शरीर के साथ, सो अगर जो उम्र 60-65 तक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है आपके फिफ्थ हाउस में गुरु कर्मस्थान लाभस्थान को देख रहा है, कर्मस्थान को नहीं लाभस्थान को, यानी कि कहीं ना कहीं कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी कोई ना कोई चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। आई सेड 8 दिसंबर से 30 दिसंबर में आप घर को लेने की चक्कर में होंगे तो वो भी कहीं कोशिश करेंगे आप घर देखने के लिए, या घर में कुछ ना कुछ नया लाएंगे। और फैमिली के विवाद से अगर आप बहुत फंसे पड़े हैं 5 दिसंबर से 15 जनवरी में आपका बोलने से परिवार का कोई हर्ट हो सकता है, ये भी सिचुएशन तो बोलने के वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा। 30 दिसंबर से लेके 26 फरवरी तक शुक्र तृतीय में तो भाई बहन के साथ का आपका बोलना बर्ताव उनको पेन हो सकता है, ऐसा सिचुएशन दिख रहा है। 15 जनवरी के बाद मंगल आपके तृतीय में जाएगा तो आपके स्पाउस के साथ कोई रिलीजियस सफर हो सकता है, आपका स्पाउस का नसीब एकदम फुल स्पीड में चलने लगा है और वो 2 महीना जनवरी और फरवरी में आपका स्पाउस का नसीब बहुत जबरदस्त साथ देने लग जाएगा उसको, स्पाउस को आपके, स्पाउस मतलब आपका पति या पत्नी। स्टूडेंट के लिए आई सेड बेस्ट है, प्यार करने वाले लोगों के लिए 3 तारीख मेरा फेवरेट है मानना है। 3 तारीख को चंद्र शुक्र का युति आपके तृतीय स्थान में हुआ है,
मतलब ये रोमांटिक डे बन रहा है थर्ड हाउस में चंद्र शुक्र का युति, मतलब आप कहीं ना कहीं मौज में है और ये टाइम है थर्ड डे थर्ड तारीख अच्छा है। 17 और 30 को भी शुक्र का प्रतियुति और 30 को वापस शुक्र का युति हो रहा है आपके थर्ड हाउस में, तो दिस इज द डे अगर इसमें चूक जाते हो तो ये नहीं तो ये, बट थर्ड इज द मोस्ट सुटेबल डे अगर आप प्रपोज करना चाहते हो तो 3 तारीख बेस्ट रहे। प्यार करते हैं उनके लिए, विवाह जिनका नहीं हुआ है, देखिए पर्टिकुलरली लड़की है, अगर आप फीमेल पर्सन है और लड़की है और विवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं तो देखिए इस गुरु की आपके लग्न के ऊपर आस्पेक्ट है, आपके फिफ्थ हाउस पर आस्पेक्ट है, भाग्य पर आस्पेक्ट है, लक हाउस पर और लाभ स्थान पर, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंजेस, आपके नसीब में चेंज और जीवन में स्थिरता, ये बहुत कुछ लाभ मिल सकता है। आप अगर जो मेल है तो चांस कम है, बट आप अगर फीमेल है लड़की है तो शायद विवाह का ज्यादा चांस है, फीमेल के लिए ज्यादा चांस है। शेयर मार्केट के लिए आई से 6 जनवरी से 10 जनवरी बेस्ट है, क्योंकि इस तारीख में आपके हाथ में एक अच्छा खासा पैसा आना चाहिए, आपका पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी 6 से 10 में बढ़ेगा और ये दिन 6 से 10 आपको फूड फैमिली और फाइनेंस ये तीनों तीन एंजॉय करने मिलेगा। हो सकता है आपका फैमिली पूरा जमा हुआ हो, अच्छा खाना भी मिलेगा उस दिन और पैसा भी हाथ में अच्छा खासा रहेगा। तो 6 से 10 में अगर इंट्रा ट्रेडिंग बेटिंग करते हैं उनको पेट्रोकेमिकल के शेयर से लाभ है। अगर तुला लग्न है तो देखिए यहाँ मंगल है, भूमि का कारक है और वो पेट्रोकेमिकल के शेयर से आपको फायदा दे सकता है। तो 6 से 10 में ऐसा कुछ है तो कोशिश करिएगा, ये बेस्ट रहेगा। शर्त है कि आपके जन्म कुंडली में फिफ्थ हाउस में राहु नहीं होना चाहिए, पंचमेश राहु के साथ नहीं होना चाहिए, मतलब लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ इज अ सैटर्न, सैटर्न शुड नॉट बी विथ राहु एट एनी वेयर, कोई भी जगह पे शनि राहु का युति नहीं होना चाहिए, पंचम में 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, तो ये शेयर बाजार का बेनिफिट मिल सकता है। 6 से 10 जनवरी में एक अच्छा फायदा देख रहा हूं। शुक्र का लोप है 6 से 10 जनवरी तो थोड़ा जिंदगी रुका हुआ दिखाई देगा और 6 से 10 जनवरी जब शुक्र का लोप होता है अस्त हो जाता है, शुक्र दिखाई नहीं देगा आसमान में। बुध का लोप है 18 से 27 जनवरी में, यानी कि यहां थोड़ा नसीब भी थोड़ा ढीला पड़ रहा है और 6 से 10 में शुक्र का लोप है तो कोई भी शुभ कार्य को हम लोग शुक्र का लोप हो जाए विवाह जैसे कार्य में, गुरु और शुक्र का लोप होता है उस वक्त की डेट नहीं दी जाती, तो इस महीने में विवाह का डेट है देखिए 20, 22, 23, 24 और 26 ये तारीख है विवाह का। इस महीने में आपको 17 से 31 केयरफुल रहना, फ्रॉम 17 जनवरी to 31 जनवरी आपको केयरफुल रहना, मतलब कहीं आपको दिखाई देता है कि ये रिस्क है, आप में हिम्मत बहुत बढ़ेगा जनवरी महीने से, आप अपने आप में खुद चेंज देखेंगे जनवरी और फरवरी में 30 दिसंबर से, मतलब ये जो नया साल है ये कुछ ना कुछ आप में हिम्मत का बढ़ोतरी लेकर ही आने वाला है। बट 17 जनवरी से आई विल से 10 फरवरी तक का टाइम मैंने बोला है, 30-31 जनवरी तक तो ये महीना है इसके लिए बोल रहा हूं, बाकी 10 फरवरी तक जो रिस्क लगता है वो काम नहीं करिएगा। कोई व्हीकल के पीछे खतरा हो सकता है घर में कोई फैशनेबल चीज आप लेके आ सकते हो 17 जनवरी से 10 फरवरी में, और हो सकता है वाइफ के साथ ट्रैवलिंग पे जाना पड़े, मैंने बोला ऐसा, वहां पैसा वापस देना पड़ेगा ही आपको, और ऐसे तो आप बहुत कैलकुलेटिव है तुला लग्न है तो वेरी कैलकुलेटिव पीपल, स्पाउस आपका बहुत एम्बिशियस है और दिमाग में जो तय करता है वो पूरा करता है, एम्बिशियस है, लीडर टाइप का स्पाउस है आपका। यहाँ मेष राशि है, मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्टिव भी है और क्वारलस भी है, मंगल की राशि है तो झगड़ालू भी है, और अभी मंगल केतु का युति आपके सेकंड हाउस में हुआ है, तो इस महीने में देखिए 6 जनवरी और 21 जनवरी को चतुर्थी है, चतुर्थी के दिन गणेश गायत्री मंत्र अथवशीष करिएगा या तो चारों चार ट्यूजडे करिएगा, दिसंबर से ही शुरू करना पड़ेगा ऐसा सिचुएशन आपका दिख रहा है, गणपति बाप्पा का गणेश जी का पूजन करिएगा, गणेश गायत्री अथवशीष सहस्त्रनाम गणेश सहस्त्रनाम करिएगा, गणपति बाप्पा के मंदिर में जाके लड्डू का भोग लगाइएगा, आपके घर में थोड़ा शांति बना रहे, आपका परिवार में विवाद होगा या आपके परिवार और आपके पति के परिवार के बीच, पत्नी के परिवार के बीच कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस अनुभव करेंगे, ब्लंटली बोलते हैं थोड़ा जबान पर ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत बड़े विवाद में फंसेंगे आप। 5 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक
केयरफुल रहिएगा आपका बोलना, और ये गणपति बापा का पूजा करिएगा। इस महीने में 2 जनवरी को अमावस है, अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाते रहने से आपका जो स्पाउस है, यानी कि अगर जो आप फीमेल है तो दिखने में बहुत सुंदर है, तुला लग्न है, पति आपका मैंने बोला ऐसा इतना सुंदर नहीं होता, उसका बोलना आपको हर्ट हो रहा है, होता ही हो। राहु आपके 8th हाउस में बहुत लंबे समय से 22 सितंबर से 11 अप्रैल 2022 तक स्पाउस का बोलना आपको चुभ रहा है, विष्णु सहस्त्र नाम जरूर करिएगा। 10 रुपए की बुक मिलती है विष्णु सहस्त्र नाम की, 1000 नाम है विष्णु के, ये करके बहते जल में नारियल बहाइएगा 2 जनवरी को, 2 जनवरी विष्णु सहस्त्र नाम करिएगा अमावस का दिन है। और इस महीने में मैंने बोला ऐसा, ये 6 और 21 जनवरी विनायक चतुर्थी और ये संकष्टी है, इस बार 15 जनवरी और 29 जनवरी को प्रदोष है, और दोनों शनिवार का प्रदोष है, शनि प्रदोष है, दोनों सैटरडे का प्रदोष है, तो दरिद्रता के लिए ये बेस्ट होता है। अगर आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रेस महसूस करते थे कि शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है तो थोड़ा नशा तो होता है जीवन में, कोई ना कोई चीज का शुक्र प्रधान व्यक्तित्व नशा रखता है, मौज हो ऐसा, कोई संगीत से कहीं ना कहीं जीवन में इंटरेस्ट से जीते हैं, तुला लगना है तो मौज ही होता है। अगर फाइनेंस का शॉर्टेज आप फील करते हैं तो देखिए 15 जनवरी ऐसे और 29 जनवरी को शिव मंदिर में जाइएगा, शाम को सूर्यास्त के आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में, मतलब एग्जैक्टली देखिए यहाँ लगभग 6 बजे का सूर्योदय पकड़, सूर्यास्त पकड़ते हैं, सनसेट सूर्यास्त 6 बजे का शाम को, तो 5:30 से 6:30 तक में शिव मंदिर में दर्शन करिएगा शिव का, और बाद में शिव मंदिर में दर्शन करने के बाद खाना खाइएगा, भोजन करिएगा, उसके बाद ये 2 दिन करिएगा, धीरे धीरे आपके जीवन में ये शनि प्रदोष है प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। इस महीने में 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, और सूर्य मकर राशि में आपके चतुर्थ स्थान में आएगा शनि के साथ, घर में थोड़ा तनाव तो जरूर है, तनाव और बढ़ भी सकता है, शनि सूर्य का युति हुआ है आपके चतुर्थ स्थान, बट शनि अपने घर में है, एक प्लस पॉइंट है, बट सूर्य का वजह से देखिए आपके जो भाई बहन के स्थान में सूर्य आया है, यानी कि 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक आपको ऐसा लगेगा कि आपके ब्रदर सिस्टर के आपको उनका ईगो मेंटेन करना पड़ेगा 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक, 14 जनवरी से 12 फरवरी तक सूर्य आपके घर के स्थान में आ जाएगा, मन के स्थान में आ जाएगा, थोड़ा अशांति का अनुभव भी आप करेंगे, चतुर्थ का सूर्य बहुत अच्छा नहीं माना जाता 14 जनवरी से 12 फरवरी तक का। और अगर आप मैंने बोला ऐसा ओल्ड एज को या घर को प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो 8 दिसंबर से 30 दिसंबर में अगर वो ट्रेन आप चुक गए तो 27 फरवरी से 30 मार्च तक में ये मौका फिर आपके हाथ में आएगा। बाकी ये है अबाउट आपका लेखा जोखा इस महीने का, कोई बहुत बड़ा बुरे समय से जा रहे हो ऐसा भी नहीं है, बट ये महीना आपको मैं समझता हूँ भाई बहन के साथ का रिलेशंस को इम्प्रूव करने का जो वक्त है, ये कर सकोगे आप, कहीं नेबर के साथ का कोई रिलेशनशिप या तो उसको मेंटेन करेंगे या तो कोई मीटिंग हो सकती है आपकी सोसाइटी की, उसमें कहीं ना कहीं आपका रिलेशन इंप्रूव कर सकेंगे आप। और हो सकता है इस महीने में आपके सिबलिंग के साथ सप्तमेश आपका तृतीय में आपके स्पाउस के साथ सिबलिंग के साथ भाई बहन और पत्नी के साथ कोई ना कोई रिलीजियस सफर में का भी मौका मिलेगा आपको 16 जनवरी से 25 फरवरी के बीच। बाकी ये है आपका इस महीने का लेखा जोखा। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। 17 जनवरी से ऐसे 10 फरवरी तक कोई रिस्क नहीं लीजिएगा, कोई फैशनेबल चीज के पीछे पैसा वापरना पड़े, दान करना पड़े, किसी फीमेल को हेल्प करना पड़े, फीमेल में आपका सिबलिंग भी हो सकता है, भाई बहन भी हो सकते हैं, तो दिल खोल के करिएगा, अदरवाइज वो पैसा कहीं और चला जाएगा। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।